हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, टुडे वी विल स्टडी रिलेटेड टू पीएस स्केल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएस स्केल। ओके, सो फर्स्ट पीएस स्केल, व्हाट इज द पीएस स्केल? पीएस स्केल इज दैट इंस्ट्रूमेंट वी कैन यूज द मेजरिंग ऑफ एसिडिटी, एसिड एंड बेस। जैसे एज इट इज हम लोग जैसे थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट्स, कि मेज़र करने के लिए, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, वैसे ही पीएस स्केल है। इस पीएस स्केल का हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चाहे वो सोयल हो या अदर जिसमें एसिड और बेस हो, ठीक है, वो हम लोग इसमें मेज़र करते हैं कि इसमें एसिड का एसिड है या बेस है, या वो स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी वैल्यू क्या है और वो कौन सा नेचर रखता है, ठीक है। तो हम लोग किससे मेज़र करते हैं? पीएस से मेज़र करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इसमें यूज़ होते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लोग इसमें यूज़ किया हुआ है, ठीक है, उस लोग को थोड़ा हम लोग समझेंगे कि लोग होता क्या है, ठीक है। इसमें जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 10^7। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10^7। इसमें क्या है, मुझे log 10^7 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वो फॉर्मूला इसी क्वेश्चन में बताऊंगा कि log, अगर हमें कोई log दिया हुआ हो और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें log, इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं log n^n यूज़ कर सकते हैं, या इसके ये भी यूज़ कर सकते हैं log n log भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, log 10^7 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स n क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। m जो हमारा ये जो 10 होता है, ये m होता है जो नंबर है, ठीक है। n क्या है, जो पावर में जो डिजिट होती है उसको n बोला है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं log m क्या है हमारे पास, 10^n, n बोला, n क्या है हमारा पावर है, तो कितने हो गए 7 इज इक्वल टू n। इसमें क्या लेना है, n को हमें आगे लेके आना है, जो पावर है उसको आगे लेके आना है 7। log क्या है हमारे पास, m कौन सी डिजिट है, 10, ठीक है। अब ये वाली हमने फाइंड आउट के लिए स्टूडेंट्स इसमें ऐसे ही लेना है, जैसे हम लोग पावर को सॉल्व करते हैं ना एज इट इज, उसको वैसे ही सॉल्व करना है। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा है, 7 log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, सो आंसर क्या हो जाएगा, 7। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई किसकी, log 10^7 की ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, इसमें हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है, जैसे इसमें तो वैल्यू फाइंड आउट की है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें उसका जो नेचर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, वो नेचर भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, उससे पहले कुछ टर्म्स कॉन्सेप्ट्स है वो देखते हैं। पीएस के लिए कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, बाय डिटरमाइनिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ ion वी कैन डिसाइड एसिड और बेस नेचर। जो H+ ion होता है स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने इस पर स्टडी किया था कि जो H+ होता है वो क्या होता है,
एसिड होता है, क्या होता है, एसिड होता है, जो OH नेगेटिव हमें देता है वो क्या होता है, बेस होता है, इस चीज़ को नोट रखना, ठीक है। बट सुनो, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमें क्या, ये जो ब्रैकेट होता है इसको हम कंसंट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। ये जो बड़ा ब्रैकेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको हम कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो इसको रीड कैसे करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, क्लियर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इसमें कंडीशंस है स्टूडेंट्स, जैसे एच जो कंसंट्रेशन एच प्लस आयन है, ठीक है, अगर इसमें हम लोगों के पास हायर वैल्यू है, वैल्यू क्या है, हायर वैल्यू है, और इधर हमारे पास क्या है, लोअर वैल्यू है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि जो ये क्या होगा, हायर वैल्यू होगा तो ये क्या होगा, एसिड होगा, क्या होगा, एसिड, और ये लोअर वैल्यू है तो क्या होगा, बेस हो जाएगा, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा जो पीएच स्केल है, जैसे थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर का नॉर्मली जो डॉक्टर यूज करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना, तो इसमें भी क्या होता है कि 0 टू 14 तक होता है, जो पीएच स्केल होता है ना उसको मेजर करने में कितना यूज होता है, 0 टू 14, ओके। इसी में हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि ये एसिड है या बेस है, ओके। नेक्स्ट इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 14 10 की पावर माइनस 14, और इसमें क्या हो जाएगी, 10 की पावर 0, ओके। तो ये हमारे पास क्या होती है, जो वैल्यू होती है किसकी, पीएच की, जो हम लोग देखेंगे पीएच स्केल में, ओके। नेक्स्ट इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पीएच स्केल के वो कौन से हैं, जो पीएच स्केल स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था 99 में, किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था 99 में, एंड इसको जो वर्ड्स हैं उनमें जो पीएच है, पीएच का मीन क्या होता है, जैसे पी का मीन होता है पावर, वैसे इसको पोटेंश कहते हैं, ठीक है, और एच का मीन होता है एच प्लस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अगर पीएच की वैल्यू हमारे पास, जैसे बुक में डायग्राम बनाया हुआ है, एक स्केल बनाया हुआ है, उसमें क्या है, अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है, लेस देन 7 है, तो वो क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा, वो क्या हो जाएगा, एसिड। अगर हमारे पास पीएच की वैल्यू मोर देन 7 है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना कि पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो एसिड है, अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो बेस है। एंड अगर हमारे पास क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पीएच स्केल, जीरो टू 14 कितना होता है, 0 टू 14, अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, अब यहां से यहां तक अगर लेस देन 7 है तो वो क्या हो गया, एसिड हो गया, अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या हो गया, बेस हो गया। बट सर अगर किसी की वैल्यू अगर 7 भी तो वो क्या होगा, वो स्टूडेंट्स न्यूट्रल होगा, क्या होगा,
न्यूट्रल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। उसमें जैसे सॉल्ट होता है ना, वो न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। एंड स्मेल, जो हमारे माउथ है उसकी भी पीएच वैल्यू होती है, जो एसिडिक नेचर होता है वैसे तो 6.5 होती है हमारी माउथ की, जो एसिडिटी होती है, एसिड होता है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.5 होती है। ओके, तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया वो वैल्यू फाइंड आउट करने का था, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मेरे पास किसी पीएच वैल्यू दी हुई है, बट वो है क्या, ठीक है, उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, नेचर को फाइंड आउट कि कौन से नेचर का ही है। हमें वैल्यू मिल जाएगी तो हमें बार उसके नेचर भी मिल जाएगा। जैसे लेस देन 7 हुआ तो एसिड है, एंड मोर देन 7 हुआ तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं, एच प्लस इज इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁸, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिया है जिसमें ये इस सॉल्यूशन का हमें क्या करना पड़ेगा, नेचर फाइंड आउट करेंगे कौन से नेचर का है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाए, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन एच प्लस, ठीक है, ये हमें यूज करना है फॉर्मूला, ठीक है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन एच प्लस, जो ये ब्रैकेट हम लोग बोल रहे हैं इसको ब्रैकेट नहीं बोलना है, इसे हमें कंसंट्रेशन बोलना है, ठीक है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, माइनस लॉग, अब हमारे पास यहां पे क्या है, एच प्लस की जो वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻¹⁸ है, तो ये वैल्यू हम लोगों ने कर ली। यहां पे हम लोग करेंगे इस ब्रैकेट को, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 10⁻¹⁸, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने किया, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पावर है वो उसको हम लोग इस साइड लेके आ जाए, जैसे एन वाले में किया था ना, माइनस की साइड इस वाली पावर को लेके आएंगे, ठीक है। तो माइनस एट, ठीक है, माइनस एट हो जाएगा, फिर लॉग 10, ठीक है। इस माइनस वाले डिजिट जो ऐसे, वो वाला फॉर्मूला याद है ना, कौन सा है, n log m, वो उसी फॉर्मूले से करें, पावर को कहाँ लेके आगे की साइड, ठीक है, और m वाली डिजिट कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो क्या हो जाएगा, 8। तो जो स्केल थी उसमें 8 कौन से पे था, बेस था, ठीक है। ये हमारे नेचर फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये 20 स्केल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की। फर्स्ट, एसिडिटी इन स्टमक, टू मच ऑयली और स्पाइसी फूड जो हम लोग ईट करते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, उससे एसिडिटी होती है, जिससे हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये होता है, और ये गैस्ट्रिक जूस फाइंड सीक्रेट करता है, कौन सा करता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, जिससे क्या होता है, वो HCl का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, एक जगह जो हमारा स्टमक उसमें इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। और इसका रीज़न क्या है, जो ऑयली फूड है, बहुत स्पाइसी फूड है, वो ईट करने से ये प्रॉब्लम होती है। और इसका सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स,
सॉल्यूशन है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ईट करने से क्या होता है, वो उसको न्यूट्रल कर देता है इस एसिड को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेस है जो दोनों स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इससे रिलेटेड स्टडी किया था। ओके, नेक्स्ट टूथ डेकाय। टूथ डेकाय क्या होता है स्टूडेंट, नॉर्मली जो हमारा जो होता है, ठीक है, इसका जो आउटर साइड जो हमारे टीथ होते हैं उसके आउटर साइड जो कवर होता है ना, उसको एनामल का कवर होता है, जिसमें क्या होता है जो हमारे माउथ का जो एसिड नेचर वो कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है टूथ डेकाय होता है। टूथ डेकाय जैसे हमारे नॉर्मल होता है 6.5 पीएच कितना होता है हमारे माउथ का, 6.5 होता है, बट ये कहाँ पहुँच जाता है, 5.5 से डाउन पहुँच जाता है। तो क्या होता है जो एनामल है, जो आउटर कवर है, उसमें क्या हो जाते हैं स्मॉल उसमें हमें खड्डे दिखाई देने लगते हैं, बनने लगते हैं, और जो फूड होता है हमारे माउथ के अंदर उसको जो क्या करते हैं बैक्टीरिया उसको चेंज कर देते हैं एसिड के अंदर, उसके वजह से हमारे टीथ में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, टूथ शुड बी क्लीन बाय एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन से हम लोग क्या करेंगे, अगर टीथ को क्लीन करेंगे तो इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टंग ऑफ इंसेक्ट। स्टूडेंट्स नॉर्मली ये चीज़ तो आपको पता होगी कि जो हनीबी होती है एंड जो रेड आंट होती है उनमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा, फॉर्मिक एसिड होता है, जो जब उनका स्टंग जब वो एंटर करती है हमारी स्किन में तो वो हमें क्या होती है पैन देती है और उससे हम लोग पैन फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हमारा एसिड रेन। एसिड रेन क्या, रेन वाटर इज कंसिडर्ड प्योर बट ड्यू टू द पॉल्यूशन इज पीएच लोअरिंग दीज डेज। अब जो पॉल्यूशन है इसमें, जो एसिड रेन का मेन प्रॉब्लम मेन रीजन यही है कि जो पॉल्यूशन जितना हो रहा है वो एसिड रेन उतनी उनकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है। ठीक है, अब ये एसिड रेन सोइल पे की फर्टिलिटी पर भी इफेक्ट डालती है, ह्यूमंस के एनिमल्स की जो लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पीएच ऑफ सोइल। बाय डिटरमाइनिंग द पीएच सोइल द क्रॉप दैट कैन बी शो इन द सोइल कैन बी सिलेक्टेड एंड यूज टू प्रॉपर फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो डिटरमाइनिंग सो दैट गुड क्रॉप ऑब्टेंड बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। हम लोग क्या करते हैं जो सोइल होती है उसकी फर्टिलिटी पीएच की वैल्यू हम लोग उसको चेक करते हैं और वो एसिडिटी है या बेस है वो हम लोग उसमें देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसकी फर्टिलिटी अगर कम है या ज़्यादा है तो फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव नाइस डे।